हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए मैं आज बात करने आई हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि एग्ज़ाम में क्या होता है। फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम पड़ता है, सेकेंड ईयर एग्ज़ाम पड़ता है, थर्ड ईयर एग्ज़ाम पड़ता है, क्या होता है, क्या प्रोसेस है उसमें, क्या बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, क्या बहुत हार्ड होता है एग्ज़ाम। तो मैं आपको आज बताने वाली हूँ ये सारे चीज़ें। तो देखिए, एग्ज़ाम आपका फर्स्ट ईयर हो, सेकेंड ईयर हो, थर्ड ईयर हो, तीनों बैच का साथ में ही पड़ता है। GNM का खास करके बोल रहा है और ANM भी है तो दोनों बैच का साथ पड़ता है। अब बोलोगे कि क्या GNM ANM साथ में ही बैठ के एग्जाम देते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। फर्स्ट सिटिंग फर्स्ट बैच का पड़ेगा, सेकेंड सिटिंग सेकेंड बैच का पड़ेगा, ऐसा होता है। टाइम का मतलब इधर उधर होता है और कुछ नहीं, लेकिन हाँ डे डे वही रहता है कि 22 तारीख को है तो 22 तारीख का ही आपका दोनों बैच तीनों बैच का एग्जाम हो जाएगा। टाइम अलग अलग रहता है, टाइम ड्यूरेशन अलग अलग रहता है। तो फिर बात आता है कि एग्ज़ाम के लिए क्या होता है, क्या प्रोसेस है। आप जो पढ़ रहे हैं क्लास में, आपको जो टीचर्स पढ़ाएंगे वही सारे आपके एग्ज़ाम में भी पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ सिलेबस है, कुछ और पूछ रहा है। तो आपके क्लास में तो पढ़ाई हो रहे हैं, आपको वही सारे क्वेश्चंस आएंगे। आप लोग को बस अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से मेहनत करना है। और एग्ज़ाम के टाइम में, एग्ज़ाम पहले फॉर्म फिल होगा और फेब या मार्च तक एग्ज़ाम हो जाता है इसका। हर एग्ज़ाम पटना में ही जाता है, पटना कोई कॉलेज चला जाता है तो पटना में एग्ज़ाम होता है इसका, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर तीनों बैच का। तो आपका पटना में एग्ज़ाम होगा और आप जो भी एक साल तक जितना भी आप क्लास में पढ़ाई किए हैं अच्छे से उसका रिवीजन करिए, वही सब क्वेश्चंस पूछेंगे, मेन मेन जो क्वेश्चंस है। और ये नहीं कि अलग अलग से कोई फालतू क्वेश्चंस आ रहा है, ऐसा नहीं है। और आपका एग्ज़ाम के टाइम एक रिफ्रेशर्स आता है, GNM फर्स्ट ईयर रिफ्रेशर, एनाटॉमी रिफ्रेशर उसका सब्जेक्ट का नाम होता है, फंडामेंटल रिफ्रेशर्स। तो आप रिफ्रेशर्स खरीद लीजिएगा क्योंकि उसमें पैटर्न वाइज बनाया होता है। बुक में तो आपका थोड़ा पढ़ने के लिए डिटेल पूरा लॉन्ग लॉन्ग देता है ना, और रिफ्रेशर में जैसे कि आप 10th 12th में देखे हैं कि क्वेश्चंस बैंक होता है, वैसे ही रिफ्रेशर्स होता है। तो आप रिफ्रेशर्स में आपका पैटर्न सही होता है, इसलिए आप वो ले लीजिएगा, उससे भी अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम के टाइम में फॉर्म फिलअप हो जाएगा, उसके पहले ही रिफ्रेशर्स खरीद लीजिएगा और रिफ्रेशर्स से भी अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारे रिफ्रेशर्स में रहते हैं और वहीं से सारे क्वेश्चंस आते हैं, मतलब सेट रहता है क्वेश्चंस, तो वो सारे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिफ्रेशर्स में भी जो भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। और यूट्यूब पे भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव डालाया जाता है कि मतलब आपका फर्स्ट ईयर का ये है, सेकेंड ईयर का, वहाँ से भी आप कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं। आप कुछ कुछ पढ़ाई किए हैं एक साल तक, उसका ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, खुद से बैठा के ऑब्जेक्टिव निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा आता है। और अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो ऑब्जेक्टिव से कोई मतलब नहीं है, थ्योरी कंप्लीट है तो आप अपने आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर दोगे, इसका कोई ये नहीं है। तो आपको तो और डरने का कोई ज़रूरत नहीं है, रिफ्रेशर रहेगा, आप अच्छे से उसको कंप्लीट कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ये और ये बात होता है ना कि फर्स्ट ईयर में क्या मार्क्स कम आएंगे तो हम फर्स्ट ईयर में ही रह जाएंगे, ऐसा कुछ होता है। देखो, रहता कोई नहीं है उसी में, लेकिन हाँ आपका अगर मार्क्स कम आएगा तो फिर आपका इफेक्ट पड़ेगा ना। कॉलेज से भी आपको मार्क्स मिलता है, 25 मार्क्स आपका कॉलेज देता है, तो अगर आपका टेस्ट में, इंटरनल में, ये सारे में मार्क्स अच्छे नहीं रहेंगे तो कॉलेज आपको मार्क्स नहीं देंगे जो कि फाइनल में ऐड होंगे। इसलिए आप कोशिश करो कि आपका इधर वाला भी जो है सब अच्छे से क्लियर हो आपका, और अच्छे से आप पढ़ाई करो ताकि आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तीनों में अच्छे मार्क्स आ सकें, ठीक है। और फिर अगर आज आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर पढ़ा हुआ अच्छा से रहेगा तभी आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी अच्छे से एलिजिबल हो। उस टाइम भी आपका यही सारा क्वेश्चंस पूछेगा। अगर आप स्टाफ नर्स का, नर्सिंग ऑफिसर का, CHO का, कोई चीज़ का एग्ज़ाम दोगे तो आपको यही सारे क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए आप यहाँ का एनाटॉमी, फंडामेंटल, ये सारे अच्छे से कंप्लीट रखिए ताकि आपको आने वाले आगे एग्ज़ाम में कोई दिक्कत ना हो और आप अच्छे से जॉब ले पाएँ, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं कि नहीं, GNM करके बैठे हुए हैं, ANM करके बैठे हुए हैं, तो आप बैठे रहोगे ना अगर आपका अच्छा तैयारी नहीं है। वाइवा होता है, इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आपको क्वेश्चंस पूछते हैं, तो आप अच्छे से पढ़े ही नहीं हो तो फिर आप नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो मैं बता दी हूँ जो भी प्रोसेस है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और कोई डाउट्स है तो क्लियर करेंगे। थैंक यू।